सेक्सुअल ओसीडी के बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 39 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सेक्स के बारे में बार बार विचार आना और उससे तकलीफ होना, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। क्योंकि एक तो सेक्स बोले तो लोगों को ऐसा लगता है कि अपन कुछ तो भी बहुत ही बेकार काम कर रहे हैं, और उसके बारे में बार बार विचार आना फिर तो और खतरनाक। तो अलग अलग कौन सी सेक्सुअल ओसीडी है वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक जो होता है वो है मास्टरबेटरी ओसीडी। इसमें क्या होता है कि बार बार हस्तमैथुन करने की इच्छा होती है। एक्चुअली सेक्सुअल प्लेजर मिलता नहीं है, एक्चुअली सेक्सुअल आनंद मिलता नहीं है, मगर वो बार बार करना ही पड़ता है, और नहीं करेंगे तो मन बहुत बेचैन होता है, करना ही पड़ता है मास्टरबेशन। तो मास्टरबेशन ओसीडी है। फिर दूसरा है होमोसेक्सुअल ओसीडी, जिसमें ऐसा लगता है कि भाई बार बार विचार आते कि मैं होमोसेक्सुअल हूँ। किसने तभी कुछ तो भी बोल दिया या किसने कुछ तो भी ऑफर किया होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए, और बाद में तो चल हो गया कि भाई मैं होमोसेक्सुअल तो नहीं हूँ, क्या मैं समलिंगी तो मुझे आ सकती नहीं है, क्या मेरा अट्रैक्शन तो लड़कों की तरफ नहीं है। ऐसे बार बार होमोसेक्सुअलिटी के विचार आना, या बार बार होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप में जाने की इच्छा होना और वो करना सेक्सुअल ओसीडी में। तीसरा जो मेन प्रकार है वो है कि भगवान के बारे में बार बार सेक्स के विचार आना, कि भाई भगवान के साथ में सेक्स करना, और वो बहुत ही बेकार लोगों को लगता है कि अरे ऐसा कैसा हो सकता है, मैं भगवान के साथ में कैसी, मतलब देवी देवताओं के साथ में कैसे क्या सेक्स कर सकता हूँ, ऐसा कैसा मेरा, मेरे ऊपर ऐसे भी संस्कार हुए हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। फिर विचार तो आता है क्या मैं करूँगा, नहीं ऐसा नहीं करूँगा, मतलब कंटिन्यूस चालू रहता दिमाग में। और उनको कभी कभी मतलब ऐसा लगता है कि भाई मैंने खुदकुशी करना चाहिए, भगवान के बारे में ऐसा कैसा सोच सकता हूँ, और ये सेक्सुअल ओसीडी है भगवान के बारे में। फिर चौथा जो है सेक्स आइटम जो है मेनली वो है सेक्सुअल ओसीडी के, मतलब सेक्स के विचार आना अपने घर के लोगों के बारे में, मतलब माँ के बारे में। और वो सबसे बहुत ही डिस्टर्बिंग विचार लोगों को रहता है कि माँ के साथ में सेक्स करना, और फिर उनको लगता है कि भाई अच्छा नहीं है ये, माँ के साथ में कैसे सेक्स कर सकता हूँ मैं, पॉसिबल ही नहीं है, और ऐसे कैसे विचार आते हैं, मैं इतना गंदा आदमी हूँ क्या, ऐसे कैसे विचार आ रहे। फिर पांचवा है कि कोई लड़की देखते हैं, औरत देखते हैं, तो उसके छाती की तरफ, ब्रेस्ट की तरफ देखना बार बार, उसके देखे से उसको जमता ही नहीं, या सामने वाले व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट की तरफ देखना, और वो बार बार देखे बिना फिर उसको वो अच्छा लगता नहीं है कि मैं ऐसा देखूंगा तो लोग क्या बोलेंगे। फिर लोगों को अवॉइड करना, घर में बैठना, बातचीत नहीं लोगों से करना, ऐसा होता है। तो ये सेक्सुअल ओसीडी के मेन प्रकार है। इसमें बार बार ऐसे विचार आते हैं, और एक कि जिसमें मैं सेक्स नहीं कर सकूंगा, ऐसा डर, और फिर वही विचार आएगा कि मैं सेक्स नहीं कर सकूंगा, सेक्स नहीं, मैं आदमी में नहीं हूँ, मैं सेक्स नहीं कर सकूंगा, बार बार विचार आएंगे और फिर बीमार उसकी वजह से। तो ये सब ओसीडी के अलग अलग प्रकार है। ऐसे सारा है, मतलब उसमें फ्लुवोक्सामिन, फ्लुऑक्सीटिन, सरेट्रालिन, एसिटालोपराम, पैरोक्सीटिन, ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे काफ़ी सारा फायदा हो सकता है। क्लोमिप्रामिन की दवाइयाँ, उससे भी बहुत सारा फायदा होता है। रेस्पिरेडॉन लो डोज में फ़ायदा होता है। ये जो ओसीडी वाला पेशेंट है कभी कभी बहुत आक्रामक बन जाता है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, उस समय उसको एंटीसाइकोटिक देनी पड़ती है। कभी कभी ओसीडी और स्किजोफ्रेनिया साथ में होते तो शॉक ट्रीटमेंट भी देनी पड़ती है। कुछ लोग ये पेशेंट को हमारे रिहैब सेंटर में ला के रखते हैं, जहाँ हम रिलेटिव्स के अलावा पेशेंट को अकेले रखते हैं और उनका इलाज करते हैं, ताकि रिलेटिव्स को रहने की जरूरत नहीं है। और वहाँ फिर उसको ना पानी ज़्यादा मिलता है, ना लोग रहते हैं, ना विचार बार बार आने के बाद में कंपल्शन करने के लिए जगह है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो फिर वहाँ उसकी ओसीडी अच्छी होती है। अपने वातावरण से यदि बाहर आ गया तो भी बहुत फर्क पड़ जाता है। तो हमारे यहाँ 15 दिन, महीना, 2 महीना लोग रखते हैं, हम दवाई देते हैं और उनका इलाज करते हैं। जितना जल्दी आप इलाज करोगे ये ओसीडी का, उतना जल्दी अच्छा होने के चांसेस है। मगर साइकेट्रिस्ट के पास में कैसे जाना, हम क्या पागल हो गए क्या, पागलों के डॉक्टर के पास में जाएंगे क्या, इस तरह के विचार लोग करते हैं और हमारे पास में आती नहीं है। आपको यदि हमारे से कंसल्ट करना है तो नामों मात्र 158 रुपये शुल्क भरकर, नीचे लिंक दी हुई डिस्क्रिप्शन में, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स आपको कॉल करेंगे, आपकी हिस्ट्री लेंगे और आपको जो भी सजेशन है हम सजेशन आपको देंगे। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन
वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।